थोड़ा जो शॉपकीपर वाला केक होता है वो मेरे से नहीं। हर फेवरेट पास्ता Hey guys, welcome back to my channel Explore Bindaas and thank you for stopping by here. Today I will film a random day, a random quarantine day, but it is random at the same time quarantine plus birthday vlog. And we are celebrating her birthday in the house as she is very small, so she want her cake to be, you know, there, and she wants some of the things to eat. I will show you later in my blog like what I'm going to cook for her, what she likes the most, and cake bhi main ghar mein banane wali hu. So without further ado, let's get into this blog. So basically subah ka time hai aur husband bobo ke liye yani meri bechi ke liye balloons phula rahe hain और बलून फुला रहे हैं. गाड़ी का जो टायर होता है ना, उसकी हवा जिससे हम चेक करते हैं या पढ़ते हैं उससे. प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस. सुबह और लेट नाइट मेरी आवाज़ ऐसी ही होती है भारी, और ये शुरू से ही है. तो वो बलून्स भर रहे हैं और थोड़ा बहुत हम डेकोरेशन करेंगे क्योंकि घर में ज़्यादा सामान अवेलेबल नहीं है. जितना अवेलेबल है वो करेंगे. और या आपका क्वारंटीन टाइम कैसे जा रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए. और आई होप सो मेनी ऑफ लेडीज़ एंड सो मेनी ऑफ बॉयज़ ऑल्सो दे आर ट्राइंग न्यू रेसिपी इन द हाउस. आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम, बट थोड़ा मेरा हाथ अपने ही रेसिपीज़ पे ज़्यादा है, तो मैं चीज़ें बना रही हूँ और खिला रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ. बट ये एक टाइम ऐसा आता है कि आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू बी इन अ किचन बिकॉज ऑल द फैमिली मेम्बर इन द हाउस. एंड या माई डॉटर इज शाउटिंग, आई थिंक वो उठ गई है. सो मैडम की फर्स्ट डिमांड आई है कि उन्हें चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी शेक पीना है. यहाँ अभी हल्की हल्की ठंड है, इसीलिए मैं जो है हल्के से कह सकते हो आप स्वेटशर्ट टाइप पे हूँ, फुल स्लीव में. और डोंट वरी, दूध हम ठंडा नहीं दे रहे, इसको रूम टेम्परेचर है. सो ये हर्शीज़ का चॉकलेट और ये हर्शीज़ का स्ट्रॉबेरी, और इसमें मैं मिलाऊँगी थोड़ा सा दूध. हम ये अमूल टेट्रापैक यूज़ करते हैं और हर पर्टिकुलरली फॉर, और ये डाल दूंगी. हाथ के नाखून सब टूट गए करके काम कर करके, तो प्लीज़ इग्नोर माई हैंड्स. सो बेसिकली ये हो गया है उसका तैयार मेसन जार. और मेरा मिल्क शेक है. ओए, तो गाइस मैं पहले प्रिपरेशन तैयार कर रही हूँ. मेंदू वड़ा बोल लीजिए या सूजी का वड़ा बोल लीजिए, जल्दी बन जाता है. तो बेसिकली ये एक कप है और एक कप मैं दो कप सूजी लूँगी, और ये दूसरा, और ये मैं पूरा नहीं भर रही हूँ, मुझे आई थिंक इतना पूरा होगा बिकॉज और आइटम्स भी हैं. और ये मतलब मैंने लिया है वन कप और दूसरा लिया वन कप से थोड़ा कम. और इसमें मैं, क्योंकि मैं ये दो कप के करीब लिया है, दो कप से थोड़ा कम, तो मैं ये दही लूँगी बस. अब मैं इसको ऐसे करके मिक्स करके अच्छे से रख दूँगी और आधे घंटे तक सूजी. सो दूसरी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ बेसन की, क्योंकि उसको पनीर का पकौड़ा खाना है, और पनीर के पकौड़े के लिए बेसन भी मैं पहले करके रख लूँगी. थोड़ी देर उसको रेस्ट दूँगी बिकॉज़ रेस्ट देने के बाद जो है बेसन काफ़ी अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाता है और उसकी कोटिंग बहुत अच्छी आती है. तो अब मैं कर रही हूँ स्पेगेटी की तैयारी. स्पेगेटी के लिए मैंने ये ले लिया है, ये सलवा का है, और मैं बर्लिन का भी यूज़ करती हूँ, देवेला का भी यूज़ करती हूँ. और इसमें नंबर नहीं लिखा है, देवेला में नंबर्स होते हैं नॉर्मली 1, 2, 3 जो साइज़ होते हैं. मुझे पर्सनली स्पेगेटीज़ बहुत पसंद है और ये बहुत हेल्दी भी होती है. उसके लिए मैंने कुछ सब्ज़ियाँ काट के रख ली हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें मशरूम भी डालूँ. हालाँकि मैंने इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन भी ले लिया है. एगियोलियो में वेजिटेबल्स नहीं जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मैश वेजिटेबल डाल के उसका थोड़ा वैसा ही टेस्ट करना चाह रही हूँ. ये मैंने कैप्सिकम करके रख ली है, और ये मैंने इसको बोलते हैं हरा लहसुन करके रख लिया है, और ये थोड़ी सी ग्रीन चिली है, एंड ये है लहसुन. पास्ता में इस तरीके से लहसुन आ लिए, थोड़ा सा फ्राई करा हुआ बहुत टेस्टी लगता है, ऊपर से डालने के लिए गाने.
गाइस हमारे घर में कोई भी सब्जी या इस तरीके से पैकेट का कोई भी चीज़ या टेट्रा पैक आ रहा है तो हम उसको दो के ही फ्रिज में रख रहे हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि टाइम चल रहा है क्वारंटीन का और आपको सावधानी बरतनी है। आपको कोई भी चीज़ कहीं से भी खरीदी हुई, घर के अंदर आई हुई, सब धो के रखनी है और उसको कम से कम 2 घंटे के लिए धूप में रखना है। और आपके घर में धूप आती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं तो फिर आपको बाहर रखना पड़ेगा, लेकिन उसे रखिएगा ज़रूर। ये मशरूम हम लोग कल लाए थे और मैंने इसको धो के फ्रिज में रख लिया था। तो दिस इज़ इट। मेरी डॉटर मशरूम नहीं खाती है, शी लव्स ब्लैक ऑलिव्स, तो कोई बात नहीं, वो हम मशरूम निकाल देंगे। और येस, आई विल पुट ब्लैक ऑलिव्स। मेरे पास पास्ता के लिए अभी पार्सले नहीं है, ड्राई पार्सले है बट फ्रेश पार्सले नहीं है। रोजमेरी है, ऑरिगैनो है, मैं सारे हर्ब्स डालूंगी। पार्सले की जगह माइट भी मैं धनिया यूज करूंगी, ग्रीन कोरिएंडर। तो ये है हमारा वेजिटेबल बैकयार्ड जिसमें हम सब्जियां उगाते हैं। वो अखरोट है, ये है रोजमेरी, थाइम आई थिंक मेरे पास है, मैं देखूंगी। ये है एप्पल ट्री गाइस, अभी परसों ही सब कुछ निकाल के नए ब्यू बोए हैं बिकॉज सीजन चेंज हुआ है। ये है ऑरेंजेस, एंड मैं जा रही हूँ अंदर धनिया लेने। ये है कड़ी पत्ता, बाकी हमने ब्यू बो दिए हैं। एंड दिस इज सी, लुक गाइस, दिस इज सो प्रिटी। ये है मिंट पुदीना, ये खाने में भी टेस्टी होता है और इसकी वजह से इस जगह पे इतनी खुशबू होती है, आई कैन नॉट टेल यू। ये है गन्ने का जो भी हमने काट दिया है, और मैं लेने जा रही हूँ फ्रेश धनिया फ्रॉम द गार्डन। इसी मैं रोजमेरी भी ले लूँगी अच्छी सी, इतना बहुत है। क्या खुशबू आ रही है इसकी। और ये है मेरे टर्की, से हालो, से हालो, हालो कर दो। सी ये आगे से रिप्लाई करते हैं, सो आप लोगों का क्वारंटीन कैसे जा रहा है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने अपनी बेटी के साथ मिलके थोड़े से DIY करे हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको DIY का भी ब्लॉग बना दूंगी, एक वीडियो बना। बेसिकली ये बनाया है मैंने एक वॉस, घर में सामान ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे और यहाँ पे काठमांडू में आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान मिलना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आपको लेसेस और वो भी स्टोन्स भी मिलते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, कि आप उसको DIY बोलने की बजाय आप बाहर से वो चीज़ खरीद लो तो आपको ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो बेसिकली ग्लास का हमने ये मैंने और मेरी बेटी ने मिल के बनाया है, थोड़ी सी उसको वो सीख भी रही है और ऑनलाइन उसका स्कूलिंग भी चल ही रही है। तो बेसिकली ये मैंने बनाया है आपका डिस्पोजेबल ग्लास से, जो कि अभी कंप्लीट नहीं है। मेरे पास डेकोरेशंस के लिए कुछ सामान नहीं था, ये मेरे पास स्टोन अवेलेबल थे तो मैंने ये बनाया है। अभी मुझे इसके नीचे सारा कवर करना है, इसको कवर करने के लिए मेरे पास कोई भी थ्रेड या ऊन या कोई भी डिज़ाइन की चीज़ नहीं है। जब अवेलेबल हो जाएगी तो मैं इसको आगे बनाऊँगी। सेकेंड चीज़ हम लोगों ने बनाई, मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर, ये यूनिकॉर्न बॉक्स, यू कैन पुट पेंसिल, रबर, स्केल, एनी स्टेशनरी इन इट, यू कैन ऑल्सो पुट योर मेकअप ब्रशेज एंड एवरीथिंग। एंड गाइज यू नो व्हाट, गेस व्हाट, ये क्या है, ये मैंने बेसिकली बनाया है अपने मेकअप रिमूवर कॉटन पैड से। ये कलर्स के थे मेरे पास और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मैं एक्चुअली मैं ऊन देख रही थी और ऊन नहीं मिल रही थी, तो हमने ये लगाया और ये बॉक्स तैयार किया यूनिकॉर्न स्टाइल। लास्ट हमने तैयार किया है ये बास्केट जो मैंने जूते के डिब्बे से बनाया है। और कुछ गाइस थोड़ा सा मैं इस पर एक चीज़ बताना चाहूँगी। बेसिकली मैं आर्ट एंड क्राफ्ट पहले करती थी अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, और उसके बाद फिर मेरा सडनली बीच में जॉब स्टार्ट हो गया, सब छूट गया, एंड देन आई गॉट मैरिड तो सब छूट गया। तो कुछ चीज़ें पहले की सीखी हुई थी, कुछ आपके पास इंटरनेट है ये चीज़ों को और यू नो एनहेंस करने के लिए। तो बेसिकली मेरे पास ये जूते का डब्बा था,
ये रोप मुझे बाहर से मिल गई थी और ये स्टोन और ये फ्लावर घर में अवेलेबल थे। मेरी एक आदत है, जैसे मेरी बेटी के हेयर बैंड का कोई बो या फ्लावर गिर जाता है या किसी खिलौने की कोई चीज़ गिर जाती है तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं उसको संभाल के रख लेती हूँ कि मैं किसी भी DIY में यूज़ करूँगी। एंड बेस्ट टाइम क्वारंटीन का कि मेरा DIY अब स्टार्ट हुआ है। बेसिकली टाइम तो नहीं मिलता है बट फिर भी आपको अपने बच्चे को टाइम देना पड़ता है और बच्चे को भी सिखाना पड़ता है। तो दिस इज़ हाउ दिस बॉक्स इज़ लुकिंग। इस साटन का कपड़ा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैंने ये शूज़ के डब्बे का बनाया, विच टर्न्स आउट वेरी ट्रिची। सो गाइज, मेरी चल रही है अभी सेकेंड शिफ्ट। अब मैं लूँगी चाय और ब्रेड बटर खा रही हूँ। आज हल्का ही नाश्ता लेंगे क्योंकि 12-1 बजे तक हम लोग जो स्नैक्स बना रहे हैं या फास्ट फूड बना रहे हैं वही हम केक के साथ खाएंगे और वही हमारा लंच हो जाएगा। तो अभी जैसे सुबह के उठे होते हैं तो भूख लगती है, तो आई एम हैविंग ब्रेड बटर विद टी। मम्मी टी लेके आ रही है मेरी। एंड या मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। सो गाइज, ऐसा है मैं हो गई हूँ तैयार और अब मैं जा रही हूँ किचन में। इतना ही जल्दी जल्दी जो हो पाया वो मैंने थोड़ा बहुत किया बिकॉज यू नो ऑल ममाज आर आई नो एंड आई एग्री ऑल्सो एंड यू ऑल्सो विल एग्री कि जब घर में कुछ होता है तो मम्मा जो होती है वो ऑलरेडी बिजी होती है, वो हर चीज़ में होती हैं, चाहे वो सफाई है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रेजेंटेशन है, चाहे वो कुकिंग फूड है। सो अब मेरी बारी है। सुबह मैंने आपको दिखाया था कि मैंने प्रिपरेशन कर ली थी। अब प्रिपरेशन को करे हुए तकभग लगभग 1-1.5 घंटा हो चुका है और अब मैं बनाने जा रही हूँ। तो जो मैं बनाऊँगी वो मैं आपको दिखाती रहूँगी, शायद मैं बीच में ना बोलूँ तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ और आप देखते रहिए। एंड प्लीज़ कमेंट बिलो हैप्पी बर्थडे अर्लीन। अर्लीन इज़ माई डॉटर्स नेम एंड अगर आप उसको नीचे विश करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा तो ये भी मुझे बताइएगा। और आपको ये मेकअप कैसा लगा जो बहुत ही जल्दी 10 मिनट के अंदर मैंने किया है, ये कैसा लगा ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। गाइस, सब कुछ तैयार हो चुका है, बर्थडे की पूरी तैयारी हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है चॉकलेट ट्रफल केक। जितना घर में सामान अवेलेबल था मैंने उतना बना दिया। आई होप अच्छा लगे। नॉर्मल केक्स तो बनाने आते हैं बट थोड़ा जो शॉपकीपर वाला केक होता है वो मेरे से नहीं बनता है, बट बड़ी मेहनत करके बनाया है। ये है नारियल की चटनी, टमाटो केचप और वो है टमाटर की चटनी। और विद द डिमांड ऑफ माई डॉटर शी वॉन्टेड टू हैव पनीर पकौड़ा एंड शी वॉन्टेड टू एंड दिस इज मेंदू वड़ा जो मैंने सूजी का बनाया है नारियल की चटनी के साथ। एंड दिस इज हर फेवरेट पास्ता बिकॉज शी लव्स ऑलिव्स, सो आई पुट ऑलिव इन इट। एंड इट्स माय बर्थडे। It's whose birthday? It's happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ali. Happy birthday to you. गाइस, देखा आपने, ये था आज का ब्लॉग। ऐसे मैंने किया अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट। घर में ही सब कुछ बनाया था, उसकी दादी नानी मम्मी पापा मेरी बेटी हम लोग सब घर में ही थे। सेल्फ क्वारंटीन चल रहा है आपको पता है, प्लीज़ आप भी घर में रहिए एंड बी सेफ। और सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करिए, घर में है तो साबुन से हाथ धोइए जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं तो पूरा थक चुकी हूँ आज, डांस भी किया है आपने वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा मैं भी देखूंगी वो कैसा शॉट आया बिकॉज आई एम अ मदर, आई हैव टू डू एवरीथिंग माय बाय माय ओन। अभी सारे बर्तन धोए हैं
एंड यू नो आई डोंट हैव अ डोमेस्टिक हेल्प राइट नाउ. और खाना बनाना और कल से प्रिपरेशन स्टार्ट थी, उसके दो दिन पहले से क्या सामान अवेलेबल है क्या नहीं है, मार्केट में सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं स्पेशली इन काठमांडू. तो मैं भी काठमांडू में थोड़ा सा मेन सिटी से दूर रहती हूँ, तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए कि मैं कैसे चीज़ें देखूँ कि क्या चीज़ मिल रही है क्या नहीं मिल रही है. एंड आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज़ मेरी बेटी को बर्थडे विश करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हैप्पी बर्थडे अर्लीन. और घर में रहिए, सेफ रहिए. और अब मेरी बेटी को भूख लग रही है, उस टाइम तो उसने इतना ज़्यादा भर के नहीं खाया. नाउ शी वांट्स कि मैं उसको अंडा और ब्रेड बना दूँ, तो मैं उसके लिए वही बनाने जा रही हूँ. और मैं ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ. आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक इट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो टू. सो थैंक यू गाइज, बाय, चाओ.